हेलो बच्चों, निशांत डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में विभवमापी और पोटेंशियोमीटर को पढ़ेंगे। ये टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक फिजिक्स प्रैक्टिकल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको प्रैक्टिकल के हिसाब से अपने आप को तैयार करके रखें। विभवमापी क्या होता है? देखिए, विभवांतर मापने का एक उपकरण होता है जिसे आप वोल्टमीटर कहते हो। उसका सिंबल आपने ऐसा देखा होगा, ये वोल्टमीटर कहलाता है। लेकिन वोल्टमीटर जब रीडिंग लेता है तो कुछ मान का पाठ्यांक उसका गलत आता है या उसमें त्रुटि आ जाती है। उससे बचने के लिए वैज्ञानिकों ने पोटेंशियोमीटर काम में लिया। इसे आदर्श वोल्टमीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आदर्श वोल्टमीटर भी कहते हैं। और इसकी सहायता से विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर का यथार्थ एक्चुअल मापन किया जा सकता है। उस उपकरण को नाम दिया विभवमापी। इसकी बनावट देखिए, लकड़ी के फ्रेम पर 10 मीटर लंबा तार, 10 मीटर लंबा तार एक एक मीटर के 10 फेरों के रूप में लिपटा होता है। यहां से स्टार्ट करेंगे इसको और 10 रोटेशन होते हैं इसमें। ए और बी दो पेच या टर्मिनल कहलाते हैं और ये 10 रोटेशन है, 10 बार तार घूमेगा इसमें। ऐसा ए और बी के बीच में यहां पर बैटरी, कुंजी, धारा नियंत्रक और धारा का मापन करने के लिए एमीटर आप लगा सकते हैं। कई बार प्रैक्टिकल में एमीटर की आवश्यकता नहीं पड़ती। और यहाँ पे ये वाला जो परिपथ है ऊपर वाला, इसको कहते हैं प्राथमिक परिपथ। और ये जो नीचे सर्किट जुड़ा हुआ अज्ञात जिसमें आपको वैल्यू निकालनी है, उसको हम बोलते हैं द्वितीयक परिपथ। ये वाला जो नीचे परिपथ है इसको आप कहेंगे द्वितीयक परिपथ, सेकेंडरी सर्किट। और इसके पहले जो ऊपर सर्किट जोड़ा गया था ये वाला, इसको कहेंगे प्राथमिक परिपथ। प्राथमिक परिपथ जिसमें ज्ञात भौतिक राशियां हो उसे प्राथमिक परिपथ कहते हैं, और जिसमें भौतिक राशियों के मान हमें ज्ञात करने हो, उन अज्ञात पदों को जोड़ने पर जो बनने वाला परिपथ है इसमें, इसे द्वितीयक परिपथ कहते हैं। इसमें मान लीजिए सेल है, उसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। यहां पर आपने प्रतिरोध बॉक्स लगा दिया, कुंजी लगा दी, ये गैलोनोमीटर कहलाता है। यहां पे क्या जोड़ते हैं हम? गैलोनोमीटर, जो धारा का मान और दिशा दोनों मापता है। और ये जो है इसको बोलते हैं जॉकी, जे एक टेन नुमा संरचना है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, जिसकी सहायता से आप विभवमापी तार पर सरकाते हुए संतुलित लंबाई ज्ञात करते हैं। संतुलित लंबाई ज्ञात करने का मतलब धारा मापी में रीडिंग कितनी होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। तो ये विभवमापी के बारे में जानकारी ले रहे हैं हम। दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर मापने के आदर्श उपकरण को या आदर्श वोल्टमीटर को विभवमापी कहा जाता है। आगे बढ़ाते हैं। इसकी बनावट, लकड़ी के आयताकार फ्रेम पर 10 मीटर लंबा तार एक एक मीटर के 10 फेरों के रूप में लिपटा होगा। और विभवमापी तार जो होता है वो मिश्र धातु का बना होता है। विभवमापी तार किसका बना होगा? मिश्र धातु का। मिश्र धातु मैग्नीन, यूरेका, कॉन्स्टेंटन जैसे मिश्र धातु का बना होता है। इसके लिए ताप गुणांक अल्फा का मान जो होता है, ताप गुणांक तो कम रहेगा और विशिष्ट प्रतिरोध उच्च रहेगा। अगर आपसे पूछे विभवमापी तार की विशेषता क्या होती है, तो आप जवाब देंगे विभवमापी तार के लिए विशिष्ट प्रतिरोध उच्च और ताप गुणांक अल्प होना चाहिए। ये लिखा हुआ अभी यहां पर, ये विभवमापी की बनावट है। ये लकड़ी के फ्रेम पर 10 मीटर लंबा तार अगर लगा हुआ हो तो वह विभवमापी कहलाएगा, और अगर एक लकड़ी के फ्रेम पर केवल एक वायर लगा हुआ हो तो उसे मीटर सेतु कहते हैं। प्रैक्टिकल इसके पहले मैं समझा चुका हूं आपको वीडियो लेक्चर में, ये मीटर सेतु कैसा होता है, इसको आप लिख भी सकते हैं। ये विभवमापी की बनावट कंप्लीट है। ये ऊपर वाला परिपथ प्राथमिक परिपथ कहलाता है और नीचे वाला परिपथ जो कहलाएगा वो द्वितीयक परिपथ कहलाएगा। प्राथमिक परिपथ में ज्ञात भौतिक राशियां जुड़ी होती है और द्वितीयक परिपथ में अज्ञात भौतिक राशियां जुड़ी होती है। एक क्वेश्चन तैयार किया हमने, वोल्टमीटर की तुलना में विभवमापी को श्रेष्ठ क्यों मानते हैं, अच्छा क्यों मानते हैं? इसके लिए यह कहा गया कि वोल्टमीटर जब पाठ्यांक लेता है तो पाठ्यांक लेते समय परिपथ से कुछ मान की धारा ग्रहण कर लेता है, जबकि विभवमापी जब पाठ्यांक लेता है तो परिपथ से बिना धारा ग्रहण किए यथार्थ मापन मतलब एक्चुअल रीडिंग देता है वोल्टेज की। इसलिए आप विभवमापी को वोल्टमीटर की तुलना में श्रेष्ठ कहते हैं। विभवमापी के कितने परिपथ होते हैं? तो प्राथमिक परिपथ और द्वितीयक परिपथ दो प्रकार के परिपथ होते हैं। प्राथमिक परिपथ में ज्ञात भौतिक राशियां जुड़ी होती है। ऐसा परिपथ जिसमें ज्ञात भौतिक राशियां जुड़ी हो उसे प्राथमिक परिपथ कहते हैं, और
द्वितीयक परिपथ, ऐसा परिपथ जिसमें अज्ञात भौतिक राशियां जुड़ी हो उसे द्वितीयक परिपथ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां लिखा हुआ है जिसमें ज्ञात भौतिक राशियां जुड़ी हो उसे, इसमें विभवमापी तार के साथ प्राथमिक सेल जोड़ देंगे, धारा नियंत्रक और कुंजी को जोड़ देते हैं। इस प्रकार से देखें ये विभवमापी तार है, यहां पे सेल जोड़ दिया, प्रतिरोध जोड़ दिया, ठीक है, और इसके बाद में अपने यहां पर आगे के कनेक्शन कुंजी के रूप में कर दिए। नीचे जो उपकरण या अज्ञात आपको जो मान निकालने हैं उनको नीचे की ओर जोड़ेंगे, इस परिपथ को नीचे वाले, इस तार के नीचे वाले परिपथ को कहते हैं द्वितीयक परिपथ और इस ऊपर वाले परिपथ को कहेंगे प्राथमिक परिपथ। यहां पे हम क्या करते हैं, धारा मापी जोड़ते हैं जिससे धारा का मान व दिशा मापन किया जाता है, और जो कि विसर्पे कुंजी जो तार पर सरकाते हुए संतुलित लंबाई ज्ञात करते हैं। संतुलित लंबाई वीट स्टोन सेतु और मीटर ब्रिज में और विभवमापी में जहां पे धारा मापी में रीडिंग जीरो हो जाए उस लंबाई को संतुलित लंबाई कहते हैं, और वह अवस्था धारा मापी में जीरो रीडिंग आ जाए तो संतुलन अवस्था कहलाती है। इसे शून्य विक्षेप अवस्था भी कहते हैं और फिजिक्स में अविक्षेप अवस्था भी कहते हैं, नल रिफ्लेक्शन पॉइंट होता है वो। ये प्राथमिक और द्वितीयक परिपथ होते हैं। इसमें विभवमापी का ऐसा परिपथ जिसमें अज्ञात भौतिक राशियां जुड़ी हो उसका संबंध धारा मापी तार से विसर्प कुंजी से होगा, विसर्प कुंजी को विभवमापी तार के सरकाते हुए संतुलित लंबाई ज्ञात करते हैं। मैंने समझाया आपको, संतुलित लंबाई कहां प्राप्त करोगे, जहां पर धारा मापी का पाठ्यांक जीरो हो जाए उस जगह पर। इसके बाद विभव मापी से जुड़े हुए आगे के स्टेप है विभव प्रवणता। विभव मापी तार के एकांक लंबाई पर विभव पतन का मान या वोल्टता का मान ही विभव प्रवणता कहलाता है। इसे एक्स से या एस से दर्शाते हैं, कई बुक्स एस डिनोट कर रही है और कई एस कह रही है। एक्स बराबर वी अपॉन एल या ई अपॉन एल, वी या ई यहां पर क्या वोल्टता है, इसका मात्रक देखेंगे तो वोल्ट बटे मीटर होगा, लिखा हुआ है इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट बटे मीटर, ठीक है। और ओम के नियम से आगे जाके वी बराबर क्या लिख सकते हो, आई आर लिख सकते हो, तो यहां पे वी का मान आई आर लिखा तो यहां पे विभव प्रवणता की वैल्यू होगी। विभव प्रवणता का मान किस पर निर्भर कर रहा है, लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती पर। विभव प्रवणता का मान किस पर, लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती। अगर लंबाई का मान ज्यादा रखोगे तो विभव प्रवणता का मान कम रहेगा, और लंबाई का मान अगर कम रखोगे तो विभव प्रवणता का मान ज्यादा रहेगा। विभव प्रवणता एक प्रकार का नुकसान माना जाता है विभव मापी में, इसलिए एक्स को कम करने के लिए तार की लंबाई को ज्यादा रखते हैं। इसीलिए विभव मापी में तार की लंबाई एक मीटर की जगह कितनी रखी जाती है, 10 मीटर रखी जाती है, जिससे विभव प्रवणता का मान कम हो सके और सुग्राहिता को बढ़ाया जा सके। सुग्राहिता, विभव प्रवणता के व्युत्क्रम को सुग्राहिता नाम दिया है, सेंसिटिविटी कहते हैं जिसे, एस से दर्शाते हैं। सुग्राहिता अधिक होने के लिए विभव प्रवणता के जो है, विभव प्रवणता के लिए क्या होना चाहिए, एक्स की वैल्यू कम होनी चाहिए, और एक्स की वैल्यू अगर आप कम रखोगे तो लंबाई ज्यादा। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो विभव मापी तार की लंबाई को ज्यादा क्यों रखते हैं, तो इसका आपका जवाब होगा एक्स को कम करना या सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए विभव मापी तार की लंबाई को ज्यादा रखा जाता है। एक मीटर की जगह कितने मीटर काम में ले रहे हैं, 10 मीटर काम में ले रहे हैं। इसके बाद बताया था मानकीकरण। मानकीकरण क्या होता है कि जब भी हम प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल करते समय विभव प्रवणता का मान नियत रहना चाहिए, एक्स का मान नियत रहना चाहिए, और एक्स का मान नियत कब रहेगा, एक्स बराबर वी अपॉन एल गार लिखा है आपने, तो जब वोल्टेज का मान नियत रख दे, अर्थात इसके द्वितीयक परिपथ में, विभव मापी के द्वितीयक परिपथ में निश्चित वोल्टता का सेल जोड़ना मानकीकरण कहलाता है, और जो सेल हम जोड़ते हैं उसे मानक सेल कहते हैं। मानक सेल के रूप में डेनियल सेल और कैडमियम सेल काम में लिया जा सकता है। डेनियल सेल का वोल्टेज भी ध्यान रखना 1.08 वोल्ट होता है और इसका 1.01 वोल्ट होगा। डेनियल सेल और कैडमियम सेल जो होते हैं इनके वोल्टेज भी आपको याद रखने चाहिए। तो मानकीकरण मतलब क्या हुआ, एक्स का मान नियत रखना, एक्स का मान नियत रखने के लिए मानक सेल जुड़े गए, मानक सेलों के नाम याद रखना डेनियल सेल एवं कैडमियम सेल। ये जो आप तैयारी कर रहे हो 12th फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ये प्रैक्टिकल की तैयारी हो रही है आपकी। विभव मापी के उपयोग, विभव मापी के उपयोग ज्यादा है वैसे तो,
और अभी एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग दो उपयोग अपने को तैयार करने हैं, एक तो दो सेलों की तुलना करना और एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो इसके उपयोग में हम तैयार करते हैं दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। फिजिक्स में तुलना करना मतलब अनुपात निकालना होता है, तो विभव मापी की सहायता से दो सेलों को कंपेयर करना है अपने को और उनके विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है। इसका परिपथ संयोजन ध्यान से देखेंगे, विभव मापी तार में तार के साथ दो परिपथ जुड़ेंगे, एक तार के ऊपर जो परिपथ जुड़ता है उसे प्राथमिक परिपथ कहते हैं और तार के नीचे जो जुड़ेगा उसे द्वितीयक परिपथ कहते हैं। ठीक है, इसके परिपथ की व्याख्या करते हैं आगे। यहां पे ध्यान से देखिए, चित्र से समझे, ये विभवमापी तार AB है, प्राथमिक परिपथ में सेल कुंजी और धारा नियंत्रक को जोड़ा गया, तार की लंबाई 10 मीटर और इसका प्रतिरोध 5 ओम होता है। जो विभवमापी तार है उसकी टोटल लेंथ 10 मीटर है और उसका प्रतिरोध कितना होगा, 5 ओम होता है। इसमें द्वितीयक परिपथ में दो सेल जोड़े जाएंगे, दो सेल जोड़े जाएंगे E1 और E2। सेल E1 का प्लस सिरा A से और माइनस सिरा द्विमार्गी कुंजी कहते हैं इसको। ये क्या नाम है इसका, द्विमार्गी कुंजी। द्विमार्गी कुंजी मतलब इंग्लिश में टू वे की बोलते हैं, जिसके दो रास्ते हैं उतार आगे जाने के। अभी मैं आपको इसके आगे वाले वीडियो में तैयार करा रहा हूं इसको कि ये कैसा दिखता है, क्या उपकरण। यहां पे द्विमार्गी कुंजी में 1, 2, 3 टर्मिनल होंगे, आप इसको जोड़ेंगे तो सेल E1 जुड़ेगा और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो सेल E2 जुड़ेगा। दोनों सेलों के प्लस A से जुड़े हुए हैं और दोनों सेलों के माइनस द्विमार्गी कुंजी से जुड़े हुए हैं। द्विमार्गी कुंजी का जो बीच का टर्मिनल है 2, वो धारा मापी और विसर्पी कुंजी जोकी से जुड़ा हुआ है। धारा मापी को गैल्वेनोमीटर कहते हैं इंग्लिश में और इसको जी से दर्शाओगे और विसर्पी कुंजी को जोकी जे से दर्शाते हैं। विसर्पी कुंजी क्या होती है, ऐसी पेनोमा संरचना जिसको विभव मापी तार के ए सिरे से बी सिरे पर सरकाते हैं और जहां पे धारा मापी में रीडिंग 0 आ जाए वो संतुलित लंबाई हम ज्ञात कर लेते हैं। इसका कनेक्शन देख लो, द्वितीयक परिपथ में सेल E1 का धन सिरा विभव मापी तार के ए से, सेल E1 का ऋण सिरा द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल यहां से। ये देखो, सेल E1 का ऋण सिरा द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से आएगा 1। ठीक है, और इसके बाद धारा मापी और विसर्पी कुंजी जोकी को किससे जोड़ेंगे, टर्मिनल 2 से जोड़ेंगे। ये टर्मिनल 2 से जोड़ दिया, धारा मापी और विसर्पी कुंजी जोकी को किससे जोड़ेंगे आप, टर्मिनल 2 से। सेल E2 का धन सिरा, ये देखिए, सेल E2 का धन सिरा A से जुड़ा हुआ है लिखा है और सेल E2 का ऋण सिरा, सेल E2 का ऋण सिरा किससे जुड़ा हुआ है, द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 3 से जोड़ते हैं। ये कनेक्शन मैं समझा चुका हूं आपको। सेल E1 और सेल E2 दो सेल हैं, यहां पे एक बार फिर समझा दो, दोनों सेलों के प्लस A से जुड़े हुए हैं, इसका ऋण सिरा टर्मिनल 1 से, ध्यान से समझ लीजिए, इसका ऋण सिरा टर्मिनल 1 से, टर्मिनल 2 से धारा मापी और विसर्पी कुंजी जो कि जुड़े हुए हैं और सेल E2 का ऋण सिरा द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल मतलब पेच होता है जिसमें वायर कर सकते हो उससे जुड़े होते हैं। या फिर लिखने का कार्य भी कर सकते हैं, परिपथ संयोजन हो गया। अभी मैंने आपको बताया था कि टू वे की क्या होती है, द्विमार्गी कुंजी जो यहां जोड़ रही है ना 1, 2, 3 वाले पे, इसको बोलते हैं द्विमार्गी कुंजी, हिंदी में टू वे की इंग्लिश में बोलते हैं। इसके लिए ये दो प्लग लगे हुए हैं 1 और 2 और यहां पे अगर बात करेंगे हम तो ये यहां पर मैं लिख देता हूं, जैसे 1, ये 1 लिख दिया, यहां पे ये 2 लिख दिया और ये 3 लिख दिया। ये इस तरह से कनेक्शन हो गए यहां पे, है ना। 1 और 2 को जोड़ना मतलब ऊपर से प्लग लगाना है, ध्यान रखिएगा, और 2 और 3 को जोड़ना है तो प्लग लगाना है, और अगर हटाना है, कनेक्शन को हटाना होता है तो इस प्लग को बाहर खींच लिया करो तो यही जुड़ा रहेगा। अगर आपने इसको बंद करके ये खींच रखा है तो आप इन दोनों के कनेक्शन बता रहे हो, आप इस प्लग को ऊपर खींच के इसको जोड़ रहे हो तो 1 और 2 जुड़े रहेंगे। इसको बोलते हैं द्विमार्गी कुंजी, यह है द्विमार्गी कुंजी, इंग्लिश में बोलते हैं टू वे की। इसको कहते हैं विसर्पी कुंजी या जोकी जे। यहां पर तार बंधा होता है और इसको विभव मापी तार पर सरकाते हैं।
यह है धारा नियंत्रक RH, रियोस्टेट कहते हैं इंग्लिश में इसको, रियोस्टेट धारा नियंत्रक। तार को बांधने की व्यवस्था यहां भी होती है, यहां भी होती है, और यहां भी आप तार बांध सकते हो। और जब आप इसको सरकाते हैं, इस वाले ऊपर वाले प्लग को सरकाओगे, तो प्रतिरोध का मान बदलता है। प्रतिरोध का मान बदलने से धारा का अलग अलग मान आएगा और आप एक से ज्यादा रीडिंग ले सकते हैं। यह परिपथ संयोजन पूरा कर चुके हैं हम। अब क्रियाविधि में क्या करेंगे, सबसे पहले कुंजी K को बंद करेंगे, जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी। यहां पे ध्यान से समझिएगा। फिर द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 और 2 के बीच में, द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 और 2 के बीच में कनेक्शन लगाते हैं, जिससे सेल E1 कनेक्शन में आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, विसर्पी कुंजी को, इस वाली कुंजी को, ये वाली कुंजी जो बात कर रहे हैं, इसको विभव मापी तार पर सरकाएंगे धीरे धीरे। और जहां पे गैल्वेनोमीटर में रीडिंग 0 आ जाएगी, जहां गैल्वेनोमीटर में रीडिंग 0 आ जाएगी, उस अवस्था को नाप लेंगे संतुलित लंबाई L1 के रूप में। फिर क्या करेंगे, इस प्लग को हटाएंगे और 2 और 3 के बीच में लगाएंगे, मतलब ये प्लग अब यहां से हटा के और यहां लगा दिया। और 2 और 3 के बीच में लगाने से क्या होगा, सेल E2 जुड़ जाएगा, सेल E2 कनेक्शन में आ गया। और इसी के बाद में यहां पे वापस प्रैक्टिकल करेंगे, विसर्पी कुंजी को पुनः ए से बी तार पर सरकाएंगे और संतुलित लंबाई ज्ञात करेंगे। मान लो 7 तार निकल चुके हैं और 8वें तार पे 40 आ रहा है, तो आप उसे 740 सेंटीमीटर लिखेंगे। 7 तार निकल चुके हैं ऊपर, 8वें पे 40 आया तो 740। अगर आप मान लीजिए कि 5 तार निकल चुके हैं और 6वें तार पे 30 निकल रहा है, तो 530 लंबाई आएगी। तो आप इस प्रकार से संतुलित लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। यह हम 2 सेलों की तुलना करने वाला प्रैक्टिकल तैयार कर रहे हैं। ऊपर वाले परिपथ को प्राथमिक परिपथ कहा गया और द्वितीयक परिपथ जो है विभव मापी तार के नीचे जो है, इसे द्वितीयक परिपथ कहते हैं। इसे द्विमार्गी कुंजी कहेंगे। इसे क्या नाम दिया हमने, द्विमार्गी कुंजी। ये ध्यान रखना है, एक कुंजी यहां भी है प्राथमिक परिपथ में जुड़ी हुई है और ये द्वितीयक परिपथ में जुड़ी हुई है, द्विमार्गी कुंजी। इस प्रकार से विभव मापी की सहायता से 2 सेलों की तुलना वाला प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं। इसमें आगे बढ़ाते हैं इसको। इसमें जो सेल काम आए हैं, E1 और E2 जो 2 सेल काम में लिए हैं, वो ध्यान रखिएगा। सेलों के बारे में जानकारी दे रहा हूं, एक लेक्लांसी सेल है और एक डेनियल सेल है। लेक्लांसी सेल जो है उसमें एक प्लास्टिक का पात्र दिखेगा आपको, एक या जिंक रोड लगी होती है, वो माइनस की तरह काम करती है, और एक ही कार्बन रोड लगी हुई है। ये कार्बन रोड जो है ये प्लस की तरह काम करती है। इसमें अमोनियम क्लोराइड का घोल भरा जाता है। लेक्लांसी सेल में किसका, अमोनियम क्लोराइड का घोल भरेंगे आप। इसमें कार्बन की जो छड़ है वो प्लस की तरह काम करती है, और जिंक रोड जो है यहां पे, इसमें जिंक रोड होती है। ये जिंक रोड यहां पे इस तरह से बना सकते हो आप, ये जिंक रोड दिख रही है ना, जैसे इस प्रकार की जिंक रोड होती है। ये जिंक रोड किसकी तरह काम करेगी, इसमें माइनस की तरह कार्य करेगी। तो हमने कौन सा सेल पढ़ा अभी, लेक्लांसी सेल के बारे में आप पढ़ चुके हो। अब इसके बाद हम तैयार करते हैं डेनियल सेल। डेनियल सेल के बारे में कहा जाए तो तांबे के पात्र में कॉपर सल्फेट का घोल भरा होता है, एक और जिसे आप बोलते हो जैसे गत्ता होता है, या एक हल्का यूं मान लो कि उठाने वाला पात्र जिसे आप इसमें जिंक छड़ भी डाल के रखते हैं, और इसमें घोल भरा जाएगा H2SO4 का, और इसमें घोल भरा जाएगा CuSO4 का। इसमें भी जिंक रोड जो है, ये जिंक रोड ये माइनस की तरह कार्य करेगी, और इसमें जो तांबे का पात्र है ये प्लस की तरह कार्य करेगा। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा, डेनियल सेल में व्याख्या करेंगे तो तांबे का पात्र याद रखना है आपको, CuSO4 कॉपर सल्फेट का घोल और H2SO4 का घोल होना चाहिए। जिंक रोड माइनस की तरह, यहां भी जिंक रोड किसकी तरह काम करेगी, माइनस की तरह। तांबे का पात्र प्लस की तरह, और यहां पर प्लस कौन होगा, ये जो कार्बन की जो छड़ है इससे हम प्लस की तरह काम करते हैं। तो ये जो E1 E2 सेल लिए थे ना हमने, ये उनके बारे में व्याख्या हो गई। अब हम 2 सेलों की तुलना करने वाला प्रैक्टिकल आगे बढ़ा रहे हैं। क्रियाविधि दोबारा समझो, सर्वप्रथम प्राथमिक परिपथ में उपस्थित कुंजी को प्लग लगाकर बंद करेंगे, जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी, ये वाला भाग। ठीक, टर्मिनल 1 और 2 के मध्य प्लग लगाएंगे, ये मैं समझा चुका हूं वैसे तो, फिर दोबारा समझा दो, जिससे सेल E1 जुड़ जाएगा और संतुलित लंबाई L1 ज्ञात हो जाएगी। जहां पर आपने धारा मापी में रीडिंग 0 प्राप्त करी, वो संतुलित लंबाई L1 कहलाएगी। अब इसके बाद क्या करेंगे,
एक और दो के मध्य से प्लग हटाएंगे और दो और तीन के बीच में प्लग लगाएंगे। दो और तीन के बीच में प्लग लगाने से क्या होगा, सेल E2 जुड़ेगा, ये वाला सेल, और वापस संतुलित लंबाई जो ज्ञात करोगे वो कौन सी आएगी, L2 आ जाएगी। ये बताया संतुलित लंबाई L2 आ जाएगी। अब इसके लिए आगे हम बढ़ाएंगे, वोल्टता क्या होता है, वोल्टता या विभव का मान कैसे निकालते हैं। विभव प्रवणता x बराबर आपको बताया था, x बराबर v अपॉन l बताया, तो v कहीं निकालना हो आपको तो x इंटू l कर सकते हो। इसी से फॉर्मूला बनाया हमने, वोल्टता बराबर विभव प्रवणता इंटू लंबाई। इसके लिए आगे बढ़ते हैं, सेल E1 का वोल्टेज निकालना है, जो सेल पहला जुड़ा हुआ है इसका अगर वोल्टेज निकालना है तो विभव प्रवणता x को लंबाई L1 से गुणा कर दिया। टर्मिनल दो और तीन के मध्य प्लग लगाया था तो सेल E2 जुड़ गया था, सेल E2 के जुड़ने की वजह से E2 का मान निकालना है तो विभव प्रवणता x को L2 से गुणा कर दो। समीकरण एक में दो का भाग दे दीजिए, तो समीकरण एक में दो का भाग देंगे तो E1 अपॉन E2 हो गया, ये वाला भाग। इसका रेशियो निकाल रहे हो, अनुपात निकाल रहे हो, तो x से x कट जाएगा, यहां पर आप जब निकालेंगे तो यहां पर जब आप E1 और E2 का भाग देंगे, E1 और E2 का भाग देने पर क्या होगा, यहां पर E1 अपॉन E2 आ गया, इसमें भाग दिया अपन ने XL1 अपॉन XL2, इससे क्या होगा जब आप कंपेयर करेंगे तो ये x से x कट गया, L1 अपॉन L2। कई बार आगे जाके ध्यान रखना कंपटीशन में ये क्वेश्चन, ये भी बता दूं मैं नोट लगा के, कि जब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर और समांतर क्रम में जोड़कर प्रैक्टिकल किया जाए उस अवस्था में यह सूत्र चेंज हो जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो E1 प्लस E2 हो जाएगा वोल्टेज, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो वोल्टेज हो जाएगा E1 माइनस E2, और आप इसको कंपेयर करके L1 अपॉन L2 लगा सकते हो। ये अलग से है, पहले कौन सा क्रम में जोड़ा सेलों को, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है पहले, फिर प्रैक्टिकल चेंज किया और उन सेलों को कौन से क्रम में जोड़ा, समांतर क्रम में, फिर दोबारा प्रैक्टिकल किया। तो ये वाला सूत्र याद रखना, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको आगे मैं अलग जो वीडियो लेक्चर होंगे न्यूमेरिकल क्लास के उसमें आपको तैयार कराऊंगा। इस प्रकार से हमने विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने का प्रैक्टिकल पूरा किया, और इस प्रैक्टिकल को आप बढ़िया तरीके से कीजिए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे स्कूल में तो इस तरह से आपको इनको तैयार करके जाना है कि आप उसकी थ्योरी, उसका एक्सप्लेनेशन और उसके ऑब्जर्वेशन टेबल वगैरह ढंग से भर पाए, और ये आपके न्यूमेरिकल सेक्शन के लिए आगे यूजफुल है। विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, देखिए किसी भी सेल के द्वारा जब हम बनावट को देखते हैं तो सेल के समीप एक स्मॉल आर प्रतिरोध लिखा होता है, इसको हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब सेल के आयनों के द्वारा जो रुकावट उत्पन्न होती है धारा में, उसको हम कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सामान्य प्रतिरोध तो होता है कैपिटल आर, जो धारा के मान में उत्पन्न अवरोध कहलाता है, और जब किसी विद्युत अपघट्य आयन लिक्विड सॉल्यूशन उनके आयनों के द्वारा धारा के मान में उत्पन्न रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है, और हमेशा सेल के समीप बना हुआ छोटा आर आपको दिखे उसको सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे आप। ये विद्युत अपघट्य जो अपन सेल काम में लेते हैं, जिसमें कैथोड एनोड वगैरह काम में ली जाती है, कैथोड एनोड यहाँ पे इसमें लिक्विड भरा होता है, ये कैथोड और एनोड, तो इसके आयनों के द्वारा जैसे आपने H2SO4 काम में लिया तो H2SO4 के आयन कौन कौन से बनते हैं, 2H+ बनेगा और SO4-2 बनेगा, तो धनायन और ऋणायन, तो ऋणायन SO4-2 की वजह से इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण होगा और इसके वजह से धारा के मान में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, सेल के विद्युत अपघट्य के आयनों के द्वारा धारा के मान में उत्पन्न अवरोध को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, इसे स्मॉल आर से दर्शाते हैं, और इसका मात्रक कोई पूछे तो इसका मात्रक ओम होता है। इसका मात्रक क्या होगा, ओम। यहां पे इसका फॉर्मूला होता है आर बराबर E-V/V × R। यहाँ ई क्या है, विद्युत वाहक बल कहलाता है, इसको भी वोल्ट में मापते हैं, और टर्मिनल वोल्टता को भी किसमें मापेंगे, वोल्ट में मापेंगे, ठीक है। यहां पे कैपिटल आर प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध कैपिटल आर है, तो आप यहां पे आर बराबर E-V/V × R कहेंगे, इससे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध याद करेंगे। खुले परिपथ में ई कहलाता है और बंद परिपथ में वी कहलाता है टर्मिनल वोल्टता। आगे बढ़ाते हैं इसको,
प्राथमिक परिपथ में विभवमापी तार के साथ, अब इसका परिपथ संयोजन देख रहे हैं, इसका परिपथ संयोजन देख रहे हैं। परिपथ संयोजन कैसा होता है? विभवमापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना सीख रहे हैं। प्राथमिक परिपथ में विभवमापी तार के साथ सेल कुंजी के एवं धारा नियंत्रक आरेश्वर को जोड़ेंगे। द्वितीयक परिपथ मतलब विभवमापी तार के नीचे वाला परिपथ, उसमें आप धारामापी विसर्पी कुंजी जोकी को जोड़ते हैं। समांतर क्रम में प्रतिरोध बॉक्स, जैसे इंग्लिश में रेजिस्टेंस बॉक्स कहा जाता है, और कुंजी K2 को जोड़ा जाता है। दो कुंजियां काम आ रही है इसलिए कुंजी K1 और कुंजी K2 नाम देंगे हम इसको। इस प्रकार का परिपथ है, देखिए ये AB विभवमापी तार कहलाएगा, ये प्राथमिक परिपथ में जुड़ा हुआ सेल है EP, कुंजी K1 और धारा नियंत्रक RH1। द्वितीयक परिपथ विभवमापी तार के नीचे होता है, और इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो सेल के जो दंड सिरे जोड़ोगे आप सारे पॉजिटिव, वो ऐसे ही जोड़ने हैं आपको विभवमापी तार के, ऐसे उच्च विभव वाला बिंदु होता है इसलिए प्लस यहां जोड़ा जाता है। यहां पर ये प्राथमिक परिपथ में जुड़ा हुआ सेल है और ये अज्ञात सेल जिसका हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये ई विद्युत वाहक बल कहलाता है, यहां पे धारा नियंत्रक RH2 का होगा, धारा नियंत्रक RH2। प्रतिरोध बॉक्स है जिससे हम कैपिटल R निकालेंगे, कुंजी K2 है, और यहां पे गैलोनोमीटर जुड़ा हुआ है जिसे आप धारा मापी कहते हो, इंग्लिश में गैलोनोमीटर पढ़ा जाता है और हिंदी में धारा मापी कहते हैं, और जे जो है इसे विसर्पी कुंजी या जोकी कहते हैं। अब देखिए यहां पे अगर कहीं द्विमार्गी कुंजी काम आती है परिपथ में तो इसको द्विमार्गी कुंजी कहेंगे। ये टर्मिनल 1, 2, 3 कहलाता है, और आपको 1 और 2 को जोड़ना हो तो ये काम में लेना, और 2 और 3 को जोड़ना हो तो ये वाला प्लग काम में लेंगे। कि सर कैसे? अगर आपने प्लग उठा लिया तो ये परिपथ हट जाता है, और प्लग लगा के रख रखा है तो कनेक्शन जुड़े हुए रहते हैं। प्लग लगाना मतलब धारा चालू करना होता है कुंजी में, और अगर प्लग को बाहर खींच लिया आपने तो धारा को बंद करना होता है। ये टर्मिनल 1, 2, 3, ये प्रैक्टिकल की तैयारी भी करवा रहा हूं मैं आपको। इससे आपसे पूछेंगे द्विमार्गी कुंजी या टू वे की किसे कहते हैं, तो ये टू वे की है। इसमें टर्मिनल 1, 2 और 2 और 3 के बीच में धारा के 2 मार्ग हैं, इसलिए इसका नाम बना द्विमार्गी कुंजी। इसको धारा नियंत्रक RH कहते हैं। इस धारा नियंत्रक पर जो प्लग को आप इधर उधर सरका के धारा का मान बदल सकते हो, और संयोजक तार यहां बांधे जाते हैं इस जगह पर। ये विसर्पी कुंजी है, ये जो आप देख रहे हैं इसे क्या कहेंगे हम, विसर्पी कुंजी, इंग्लिश में आप इसे कहते हैं जोकी। ये जो आप जे लिख रहे हैं ना, ये विसर्पी कुंजी जोकी का ये। तो हमने इसके परिपथ में प्राथमिक परिपथ द्वितीयक परिपथ पूरा कर लिया। क्रियाविधि में देखिए, क्रियाविधि में क्या करेंगे, सबसे पहले प्राथमिक परिपथ में उपस्थित कुंजी K1 को बंद करेंगे। कुंजी को बंद करना मतलब धारा को प्रवाहित करना होता है, ये धारा प्रवाहित होने लगेगी। इसके बाद में द्वितीयक परिपथ में उपस्थित द्विमार्गी कुंजी के, द्विमार्गी कुंजी ले रखी हो तो काम में लेना, और अगर सिंपल एक ही प्लग ले रखा हो ये इस तरह से, तो आप इसे कुंजी सिंपल कुंजी के कहेंगे। यहां पे कुंजी K2 जो काम में ली है उसका प्लग बंद करेंगे, और प्रतिरोध बॉक्स से, इसके पहले भी बता चुका हूं मैं, प्रतिरोध बॉक्स से जो आप प्रतिरोध निकालोगे वो प्रतिरोध यहां काउंट होगा R। अब क्या करेंगे, विसर्पी कुंजी को धीरे धीरे विभवमापी तार पर सरकाएंगे। धीरे धीरे सरकाने से क्या होता है, तार गर्म नहीं होता और त्रुटि उत्पन्न नहीं होती। यहां पर सरकाएंगे विभवमापी तार पर, और धारा मापी में जहां पर रीडिंग 0 आ जाएगी उसको संतुलित लंबाई L ज्ञात कर लेंगे। पहला प्रैक्टिकल जो करोगे आप, यहां पे इस कुंजी K2 को खोल कर रहे हो तो सेल खुले परिपथ में कहलाएगा ये वाला। दूसरी बार में जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो यहां पे प्रतिरोध बॉक्स से R निकाल के प्रैक्टिकल करेंगे, कुंजी K2 को बंद करके प्रैक्टिकल करते हैं, तो जब आप L2 निकालोगे तो वो टर्मिनल वोल्टता के लिए होगा, और L1 जो निकालोगे वो विद्युत वाहक बल के लिए होगा। ये प्रायोगिक उपकरण मैंने बता दिया आपको, आगे बढ़ते हैं। अब क्रियाविधि में समझा चुका हूं आपको, फिर समझे। सर्वप्रथम प्राथमिक परिपथ पर उपस्थित कुंजी K1 को बंद करते हैं। विसर्पी कुंजी को विभवमापी तार पर सरकाते हुए धारा मापी में शून्य विक्षेप अवस्था प्राप्त कर संतुलित लंबाई L1 ज्ञात कर लेंगे। द्वितीयक परिपथ में उपस्थित कुंजी K2 को बंद करके प्रतिरोध बॉक्स से R निकालेंगे, कैपिटल R। प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध ज्ञात प्रतिरोध भी कहलाता है, और इसे कैपिटल R से शो करते हैं। दोबारा विसर्पी कुंजी को सरकाएंगे और धारा मापी में शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त करेंगे तो संतुलित लंबाई L2 कहलाएगी।
मैंने आपको पहले भी बताया इसके पहले वीडियो के लेक्चर में कि आपको वोल्टेज निकालना हो तो विभव प्रवणता को संतुलित लंबाई से गुणा कर दिया करो। एक्स को एल वन से गुणा करेंगे तो ई आ गया विद्युत वाहक बल। दोबारा जब आपने प्रैक्टिकल किया कुंजी के टू को बंद कर आप वापस से विसर्ग की कुंजी को ले गए तो संतुलित लंबाई कितने प्राप्त हुई एल टू। संतुलित लंबाई को कितना मान रहे हैं अपन यहां पर एल टू। एक्स को एल टू से मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो गया वोल्टता। इसको टर्मिनल वोल्टता कहते हैं बंद परिपथ में। जब सेल को आपने बंद परिपथ में काम में लिया तो वो टर्मिनल वोल्टता परिभाषित होती है और जब सेल को खुले परिपथ में काम में ले रहे हैं आप तो वो विद्युत वाहक बल परिभाषित होता है। दोनों का मात्रक वोल्ट होगा ध्यान रखना। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है और इसका मात्रक भी वोल्ट होगा। ई और वी हमने निकाल लिए। समीकरण दो हमारे पास आ गई। समीकरण एक हमने लिखी थी पहले मैं दोबारा लिख देता हूं आर बराबर ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। ये समीकरण एक थी। इस समीकरण एक में एक बार ई का मान रखना है अपने को और एक बार वी का मान रखना है। ये जो मैं प्रैक्टिकल करवा रहा हूं आपको ये विभव मापी पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड प्रैक्टिकल है जो आपको स्कूल में तैयार करने हैं तो इससे आपको स्कूल के प्रैक्टिकल में भी हेल्प मिलेगी। हमने E का मान रख दिया V का मान रख दिया V का मान इंटू आर। एक्स कॉमन आ सकता है ऊपर X कॉमन ले लिया L1 माइनस L2 बचेगा। X से X कैंसिल कर दो ऊपर नीचे से। ऊपर और नीचे जो X आ रहे हैं वो कैंसिल हो सकते हैं। L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू आर। यहां पे L1 प्रथम संतुलित लंबाई L2 द्वितीय संतुलित लंबाई और R कैपिटल R प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध या ज्ञात प्रतिरोध भी होता है। और सिंपल सा क्वेश्चन बनाता हूं देखो यहां पे कि R की वैल्यू कैपिटल R की वैल्यू आपको दे दे मान ले। यहां पे एग्जांपल बनाते हैं R की वैल्यू दे दी आपको एक ओम ठीक। संतुलित लंबाई दे दी L1 का मान 700 और L2 का मान आपको दे दें 500। तो आंतरिक प्रतिरोध की गणना करनी है। तो इस प्रकार से अगर ये आपको प्रैक्टिकल में L1 L2 की वैल्यू मिल जाए तो आप इसमें ये फॉर्मूला लगाना R इज इक्वल टू L1 का मान कितना है 700 L2 का मान कितना है 500। यहां L2 का मान कितना रखेंगे 500 इंटू ज्ञात प्रतिरोध कितना था प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध एक ओम माना हमने तो यहां पे 200 बटा 500 ये आ जाएगा। आप इसको 2 बटा 5 भी लिख सकते हैं 2 बटा 5 ओम या पॉइंट 4 भी कह सकते हो। इस प्रकार से आप इससे जुड़े हुए एग्जांपल कर सकते हो। ये हमने विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना सीखा। अब मैं एक बार रिवाइज करवा दूं आपको। हमने विभव मापी एक आदर्श वोल्टमीटर के रूप में पढ़ा। विभव मापी की सहायता से हमने दो उपयोग कंप्लीट किए। दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना सीखा हमने और अभी जो लेटेस्ट हमने पढ़ाई की है उसमें सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना करना सीखा है। प्रैक्टिकल इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं और ये एनसीईआरटी सिलेबस में भी हटा दिया गया है पर फिर भी आपको इस निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्यों पढ़ाया गया है क्योंकि आप इसकी सहायता से अपने प्रैक्टिकल की तैयारी भी कर सके और कहीं अगर फाउंडेशन में क्वेश्चन आता है तो आप उसको बढ़िया तरीके से करके आए। इस प्रकार से हमने चैप्टर आगे बढ़ाया है और करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर या धारा विद्युत की वाला चैप्टर हमने पूरा किया 12th फिजिक्स में और आगे जो लेटेस्ट चैप्टर चलेंगे उनकी व्याख्या पर करते रहेंगे। एक मूल मंत्र निशान क्लासेस कोटा का है कि निशान से तो सफलता निश्चित है इसलिए बच्चों को घबराना नहीं है और अपनी पढ़ाई को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जारी रखना है।